इतनी भीड़ हो रही है, आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। हमारे पास है ना एक चिड़िया उड़ के आ गई बेचारी गर्मी में। बाबू उड़ नहीं सकते, ये तो अरे उड़ रही है भाई, उड़ रही है। इसको गर्मी में बुरा हाल है, इसका बुरा हाल है। ये मेरी बहन है, इसकी बेचारी इसकी सेवा कर रही है और सारे ही सेवा कर रहे हैं। मीहू बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे पिंजरे वाले भैया को दे देना चाहिए या फिर हमें इसे थोड़ा दिन खिला पिला के मतलब ताकतवर करके उड़ा देना चाहिए। दिविशा तू भी तो इतनी है भाई, मेरे लिए लाए पास्ता। इस पास्ता को क्या खिलाएं क्या इसको? सुनो नहीं सुनो, बच्चों को मत खिलाना, बच्चे खा चुके हैं। तुम खा लिए बच्चों? मैंने दो बार खा लिए। इधर आना, इधर आना। दोस्तों मैं पास्ता खा के बताऊंगा कि पास्ता कैसा है, देखते हैं। नहीं बेटा परेशान मत हो, पकड़ियो। क्या वो गंदा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत टेस्टी है, छोटी सी है। हमने गूगल पे देखा एक गाजर खाती है, तो देखो इतनी सी गाजर रख दी हमने इसके ऊपर। इसने गूगल पे सर्च करके गाजर काटी है, देखो मैंने सर्च किया था। और ये बच्चे इतना पागल हो चुके हैं। ये ना इसको रखना भी नहीं चाहते यहाँ पर, क्यों? कि अकेले रह नहीं पाएगी और बाहर छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ। तो इसको हार्म ना कर दे कोई दूसरा बर्ड। हाँ, अगर दूसरा बर्ड नहीं पता मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता किसी को पेट रखना। अगर ये उड़ उड़ गई या मर गई तो बहुत दर्द होता है। देखो मधु खिलाने की कोशिश में, टीवी से हट जा। इसको दियाते हैं हैम्यू के, कैसे कह रहे बच्चा? इसको हम देने आ रहे हैं ना केज में, जाने मना कर दिया हमें इसके केज में डालो ना। क्यों, कहाँ डालो फिर बेटा? इसे पूरा टाइम खराब हो रहा है हमारा, यहाँ पे इसी के पे लग रहा है। ओ मैं जापानीज बस जाने, हाँ नहीं, हाँ मैं वही बोलने वाला था, पर कहाँ मैं वही बोलने वाला था। नहीं कॉम प्रॉमिस। चल मधु, इसको खा रही है मैं, वो डालने की कोशिश कर रही है भाई। ये तो इधर उधर भाग रही है, हमें डर लग रहा है। बच्चों ध्यान रखना अपना, छोड़ जाओ फिर मत बोलना हमारे ऊपर आ गई। खतरों के खिलाड़ी, डर कैसे रहे हैं देखो। मियू मियू तो बाहर भाग गई, मुझे दिख गई मेरे में, मियू तो हाथ काट दिया। चलो भाई इसको हम छोड़ के आ रहे हैं पिंजरे में, क्योंकि हाँ क्योंकि अब छोड़ कर शॉप पे जहाँ पे ये इसको ध्यान दे सकेंगे। अकेली है ना, कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे इसे? मैं देखी थोड़ा सा खुल कर से। छोड़ने जा रहे हैं इसको, क्या करें मैं? कहाँ छोड़ गए? हाँ मैंने कुछ होना नहीं चाहिए, चलो बाइक पे चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं। इस बैग में हम बर्ड लेके जा रहे हैं, कपड़े का बैग है ये। हाँ, कपड़े का, ताकि इसको हवा आती रहे। और मैंने इसका मुंह भी बंद नहीं किया यार। अब जा रहे हैं, देखो शॉप यही कहीं होगी ना यार। ये ले, अरे भैया सुनो, देखो आवाज करने लग गई ना, वहां पे बोल नहीं रही थी ना, इनके बीच में आ गई है। देखो वही, देखो हाँ यही वाली है। थैंक यू भैया, अरे दोस्त बन गए इनकी। ऊपर वाली यहाँ शोर मचा रही है ना, सुंदर है। अरे हाँ वहाँ जाकर चू 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 करने लगे भाई, मतलब उससे पता चल गया मेरी सही सही मतलब दोस्त साउंड आया ना, वो दूसरी बर्ड्स कर रही थी ना, तो वो हाँ लग गई। तो उससे मतलब इससे पता चलता है कि अपने बंदे अपनों में ही खुश रहते हैं। और ये जो बर्ड की सेवा कर रहा था, अयान नाम था उस लड़के का। ये है गाय की एम्बुलेंस यार, सब सब जीव जंतुओं की हेल्प कर रहे हैं यार। गर्मी इतनी हो रही है दोस्तों, पानी वानी तो जरूर पिलाओ पौधों को। ये मैं कह रहा हूँ हम अपने बच्चों को ना बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे हमने ना उड़ा दी उसको, वो उड़ी फिर थोड़ी दूर जाके ना एक कुत्ते ने उसे खा लिया। सुनो वो रोने लगेगी मीहू रहने। अरे देखो तो सही कैसे करते हैं वो, देखते हैं है ना।
आगे जा रहा है, हंसना मत। मैं यार मेरे को तो बड़ी खुशी है पता है, चले गई ना अपने लोगों के, अपने लोगों के बीच कोई नहीं मिला। अरे यार मीनाक्षी बहुत बड़ी गलती हो गई यार, पता क्या हुआ? सुनो मेरी क्या गलती थी? हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने ही बोला था कि मैं पता है, मैंने सोचा था कि फिर फिर भी बचे, मैंने देखा पता क्या था कि ये उड़ती उसमें जंगल में चली जाएगी और फिर वो जंगल से उल्टा इधर आ गई। अब पता है वो इसकी भी डर लग रहा था मुझे उसका। तूने आपने मेरा नाम लिया? अरे नहीं, मैंने कब बोला था? अच्छा प्रैंक है, आपने तो बोला था। वीडियो भी बनाई है मैंने, दिखाऊं तेरे को? हम सोचे उड़ के चली जाएगी, देख ले वीडियो, देख। एक्टिंग करता हूँ यार, वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है। अब मैंने उसको एक्टिंग है पहले से ही पता था मेरे को। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए। क्या बात है, एक्टिंग के 50 रुपए। अपने क्या, अब बहुत अच्छा, क्या लगा तुम्हें? वो वहाँ पे खुश थी, ऐसे करने लग गई थी। तो दोस्तों चलिए बाय बाय। कितने बच्चे हैं भाई? देखो दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, सक्षम भैया भी इंक्लूड है, सबको लेके जा रहे हैं, पार्क ले जा रहे हैं। नौ लोग। चाची अब तो मैं अपने मामा के जाऊंगा ही नहीं। अरे एक दो तीन दोस्तों, यहाँ पार्क में आने के बाद है ना, कम से कम 4-5 डिग्री का तो डिफरेंस हो ही जाता है, इसलिए मैं बच्चों को रोज़ पार्क लाता हूँ ताकि ये बच्चे दूर दूर तक देखें और एक्सरसाइज भी हो जाती है बच्चों की और खेल भी लेते हैं। तू मुझे नहीं कपड़े देगी? देखो क्या है ये लड़कियाँ, तक चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कुछ भी बोलती रहेगी और एकदम बीच में पान पसंद, पान पराग, मैं नहीं दूंगी तुम्हें कपड़े, पहले कह रही थी। ये देखिए बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है, देखिए बताने कौन जीतेगा। ये सारे के सारे खेल रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, ये तो ऐसे कह रही है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, वो रोशिश की तरह है ना, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, यो मैन। भाई ये लड़की तो अलग ही है, ये दुनिया की सबसे अलग लड़की। ये वाला चॉकलेट खाई है कभी? वाइट वाला तू दिखा कैसा है? पता एक चीज नहीं देती, इतनी तेज है, तेज तरार है लड़की। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। कितनी गंदगी मचा रखी है लोगों ने, नहीं खा के यही फेंक देते हैं। देखो ये देखो क्या करें, सुनो अगर आपकी गंदगी कोई कम पढ़ा लिखा आदमी उठा रहा है ना रोड पे पड़ी हुई, तो आप पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारे। दोस्तों सारे कमरे में, बाहर जिस कमरे में एसी लगा रहता है उसी कमरे में सारे पड़े रहते हैं, जैसे भैंस उसमें नहीं पड़ी रहती है उसमें, साथ बस सबको कह रहा हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ। सुनो मैं तो रसोई में हूँ, मैं तो रसोई में, तो सलूट है तुम्हें, सलूट। तो मैं कौन हूँ मतलब? तुम एक बहुत ही बड़ी आत्मा हो, प्रेत आत्मा, दर्श भी है प्रेत आत्मा, ठीक। तू तो सबसे बड़ी प्रेत आत्मा है, ठीक है? प्रेत आत्मा मतलब होता है? ये हम दोनों को चुड़ैल बोल रहे हैं। मैं भी नहीं हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ब्लॉग कैसा लगा? ये ब्लॉग नहीं था एक्चुअली, हमारे घर में मैं सुबह जैसे ही शाम को आया तो एक सब ये सारे इकट्ठे हो रखे थे और एक बर्ड को बीच में घेर रखा था और वो बर्ड भी मतलब हाँफ रही थी, इतनी गर्मी बाहर है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको पानी पिलाया, पानी पिलाते हुए उड़ने लग गई। अब उड़ने लगी तो अब हमें ये चिंता भी उसे कहाँ रखा जाए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, पंखे चलते रहते हैं, गर्मी में किसी से कटकुटा ना जाए। तो फिर उसको हमने उसके सुरक्षित स्थान पे डाला, यानी कि केज में डालना हमारा मजबूरी थी, अब क्या करें बताइए, वो अकेली है, सिंगल है, क्या करें, हम रख भी लें। तो दोस्तों हमारे ये आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। मीनाक्षी खाना खा रही है, दिखूं, बाय बाय।